हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत बयां करती है, वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी धीरे धीरे सामने आ रही है। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। दो जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलिशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिछवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5-स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गाँव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। और बाबाओं की जमात में इस बाबा का स्टाइल जरा हटकर है, जो व्हाइट सूट में अक्सर नजर आता है, बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, जिसके मायालोक की एक और तस्वीर सामने आई है। बाबा के ब्रह्मलोक का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। आलिशान आश्रम में बाबा का सत्संग चलता था। बाबा अपने अनुयायियों के सामने ये दावा किया करता था कि वो ही है परमात्मा। बहुरूपिया बाबा का एक और भ्रमलो, सम्मोहन का मायालो, नारायण हरि साकार का ग्वालियर कनेक्शन, वो खुद को कहता है परमात्मा। इंसान के बनाए भगवान की तलाश, मौत का सत्संग बाबा की तलाश। वो खुद को कभी परमात्मा बताता, बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ उसकी आमद होती, गाड़ियों का ये काफिला ये बता देता कि बाबा की एंट्री हो गई है। एक ऐसा भ्रमजाल इस बाबा और उसके चेलों ने फैलाया कि बाबा के चरणों की धूल से सारे संकट मिट जाएंगे। सोचिए जरा, अंधविश्वास से कैसे भक्तों के विश्वास पर घात पहुंचाई।
इस बाबा की सिक्योरिटी भी बेहद खास है, जिसका स्टाइल दूसरे बाबाओं से जरा अलग है। न लंबे बाल, न ही मालाएं पहनना, बल्कि सफेद कपड़े में अक्सर नजर आते हैं ये बाबा। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार उर्फ सूरजपाल, जिस नारायण हरि साकार का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है, ये वो जगह है जहां इस बाबा का सत्संग होता है। सुनिए गांव वालों से कैसे सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती। ये जो बाबा है, कब यहाँ आए थे पिछली बार, कब सत्संग हुआ था? 3 से 4 महीने हो गए जब लगाते हैं आप उनके साथ। चल, तो कितने लोग आए थे उस समय? 5 से 7 लाख की भीड़ थी। पांच सात लाख। जहाँ से 5 किलोमीटर की एयरपोर्ट हुआ तो बस गाड़ियाँ खड़ी। यूपी के हाथरस में मौत के सत्संग की जो तस्वीर सामने आई, वो रोंगटे खड़े करने वाली है। भगदड़ में बेकसूर 121 लोगों की जान चली गई, तब से बाबा का पता नहीं चल रहा है। बाबा की तलाश में एमपी के ग्वालियर के झंडा के पूरे गांव में बाबा के इस आश्रम में तलाश की गई। मंच से लेकर तलघर तक राज खंगाले गए, लेकिन बाबा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो नारायण हरि बाबा है, उनका टिगरा थाना क्षेत्र में भी आश्रम है, तो इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा जल्दी कर ये सूचना आई कि वहाँ पर जो एक पुष्पा जी किराए से रहते थे, तो मुझे नारायण हरि और उनके साथी जो है वहाँ से खाली करके मैनपुरी उतर चले गए। झंडा का पूरा गाँव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम है। तिगरा थाना पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर जानकारी ली, लेकिन आश्रम में ताला लगा मिला। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि बाबा के सेवक ने किराए पर ये प्रॉपर्टी ली थी। लोगों की माने तो कुछ महीने पहले यहाँ सत्संग हुआ था, तब हजारों की तादाद में कई राज्यों से अनुयायी जुटे थे, इससे गांव वालों को काफी दिक्कतें हुई। गुजरात, यूपी, राजस्थान, 4-5 मतलब स्टेट से आते थे, यहाँ तक को इधर से भी आते थे, सब लोग आते थे यहाँ। पिछली बार सत्संग कब हुआ था यहाँ? पिछली बार काफी समय हो गया, तब से नहीं। सूरजपाल को लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन ग्वालियर में भोले बाबा के नाम से इन्हें कोई नहीं जानता। नारायण हरि साकार के नाम से जाने जाते हैं ये बाबा, जो दावा करते हैं कि वो भूत भी भगाता है। लोगों की माने तो कई महिलाएं भूत प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए बाबा के आश्रम में आती थी। लाखों की संख्या आती थी सर यहाँ पे, और ये जो बेचारे जिनके जो नई शादियां करते थे, जो भी करते थे बेचारे, उनकी औरतों पर भूत चुड़ैल जो भी लगती थी। ग्वालियर में रहने वाली रामश्री की बाबा में गहरी आस्था थी। पिछले 2 साल से वो बाबा की अनुयायी हो गई थी, जो हाथरस में हुए सत्संग में भी गई, लेकिन भगदड़ में रामश्री की मौत हो गई। सब जगह भोले बाबा की तलाश जारी है, आखिर कहां है नारायण हरि साकार बाबा? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उम्र महज 34 साल, लेकिन वो आतंक की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल और आतंकी अबू फैजल से भी बड़ा मुजाहिद बनना उसका सपना है, जिसके मोबाइल और डिजिटल डिवाइस ने कई राज उगले हैं। खंडवा में पकड़ा गया है वो आतंकी जो लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। खंडवा के कंजर मोहल्ले में एटीएस ने रेड डाली, लेकिन इस तरीके से कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। एटीएस को इनपुट मिला था, इस इनपुट पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी से प्रभावित 34 साल के फैजान शेख को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कई आतंकी संगठन जैसे ISIS, IM और दूसरे आतंकी संगठन के जिहादी साहित्य बरामद हुए हैं, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैजान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।
फैजान के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो खुलासे चौंकाने वाले थे। सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान में चल रहे मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स के वीडियो, मसूद अजहर, लश्कर तैयबा की तकरीर, कंधार विमान अपहरण की कहानी, मुल्ला उमर के बयान और अंसार गजवा तुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित की जा रही थी। और इससे भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। यही नहीं, मोबाइल और डिजिटल डिवाइस ने भी कई राज उगले हैं। कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं उनसे हम लोगों के पास कई फोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोज मिले हैं, फोटोज मिले हैं। एटीएस के मुताबिक आतंकी फैजान हथियार तस्करों के संपर्क में भी था, लोन वुल्फ अटैक का प्लान कर रहा था जिसके निशाने पर थे सुरक्षा बल के जवान और उनके परिवार। ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के उसके वीडियो हैं, मसूद अजहर लश्कर ए तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये सबकी रैकी भी कर रहा था। फैजान शेख आईएम के संस्थापक यासीन भटकल अबू फैजल से भी बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था। खंडवा से अमित जायसवाल और भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात कि हर राज्य में तबाही मची हुई है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। आपका राज्य है क्या उसमें? देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर मॉनसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गई। सड़कें पानी में डूब गईं और गाड़ियां तैरने लगीं। जल भराव में कोई अपनी बंद पड़ी मोटरसाइकिल को धक्का मारता दिखाई दिया। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गईं, सड़कों पर जैम लग गया। बिहार के नवादा की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से झरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वहां दीवार बनाने का काम रोकना पड़ा और झरने की तरफ जाने के रास्ते बंद करने पड़े। तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई और उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी से भरे अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गए। बताया गया कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस में स्कूल बस फंसने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मॉनसून की एंट्री के साथ ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड शुरू हो गई है। बुधवार को गढ़वाल और कुमायूं मंडल में तेज बारिश हुई, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2,500 गाँव डूब चुके हैं। 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं। ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है। हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं।
गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए, इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात ये रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना के चलते फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी से 2 महिला आरक्षक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 6 जून को दोनों महिला आरक्षक अपने हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता है। बीएसएफ ने बेलौआ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी से 2 महिला आरक्षक रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। दोनों लेडी कांस्टेबल 26 दिन से टेकनपुर छावनी से लापता हैं। आखिरी बार उन्हें 6 जून को देखा गया था। बीएसएफ ने बिलोवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस दोनों महिला आरक्षक की तलाश में जुटी। बीएसएफ एकेडमी से गायब आकांक्षा निखार जबलपुर की रहने वाली है, जबकि शाहना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आकांक्षा की मां ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आकांक्षा की मां ने आरक्षक शाहना खातून पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है। मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निखार है, बीएसएफ में नौकरी कर रही थी। उसके साथ एक मुस्लिम लड़की 4 महीने की सहेली बनी और उसको लेके कलकत्ता मुसीराबाद में ले गई है। मुसीराबाद में शाहना खातून के मामा बहन को पता है और मेरी बेटी को किडनैप करके में। बताया जा रहा है कि आकांक्षा अपनी दोस्त शाहना के साथ पश्चिम बंगाल घूमने गई थी और उसी के घर पर रुकी थी। 13 जून को आकांक्षा की मां मुर्शिदाबाद शाहना के घर पहुंची और उसके परिवार वालों से अपनी बेटी से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन परिवार वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अभी जन सुनवाई के दौरान टिकनपुर से कुछ लोग आए थे, जिनका ये कहना था कि उनकी बेटी जो है वो चली गई है घर से कहीं और किसी लड़की के साथ गई है। तो ये दोनों बच्चियां जो है बीएसएफ में नौकरी करती हैं और अभी वर्तमान में अपने घर से बिना बताए गई हुई थी। तो इसमें हमने गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज है और आगे जो भी उनको लग रहा है जहां पर संभावित हो सकती है लड़की की लोकेशन, वहां पर टीम। आखिरी लोकेशन मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर रेलवे स्टेशन पर मिली, उसके बाद से दोनों लापता है। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज 18। और